हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पल्लवी ब्लॉग्स में। हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ स्वादिष्ट गुलाब जामुन। स्वादिष्ट गुलाब जामुन बनाने के लिए तीन चीज़ें बनानी होगी, मावा, चाशनी, जामुन। सबसे पहले एक पैन में 250 ग्राम दूध कम आंच में तब तक उबालेंगे जब तक ये गाढ़ा मिश्रण में बदल जाए और पानी का भाग नहीं रहे। इसमें लगभग 15 से 20 मिनट लगेगा। जलने से रोकने के लिए इसे बीच बीच में चम्मच से चलाते रहेंगे। 250 ग्राम दूध में लगभग 1/4 कप मावा तैयार हो जाएगा। एक बर्तन में गुलाब जामुन का पाउडर निकाल लेंगे। अब इसमें तैयार मावा को डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करते समय ध्यान रहे मिश्रण नरम रहे। इसे नरम रखने के लिए गर्म पानी या गर्म दूध का उपयोग कर सकते हैं। मैंने इसे 1/2 कप गर्म पानी के साथ मिक्स कर रही हूँ और इसे इतनी अच्छे तरह से मिक्स करना है कि आटा बहुत नरम रहे, ताकि हमारा जामुन का बॉल बहुत सॉफ्ट रहे। हम इसे और अच्छी तरीके से गूंथ लेंगे। इसमें 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। अब आटे को गोल शेप में अच्छे से 16 बराबर भागों में बॉल बना लेंगे। ध्यान रहे कि बॉल में दरारें नहीं होनी चाहिए, वरना ये तलते समय खुलने लगेगा। बहुत ज़्यादा बड़ा गोल बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम छोटे छोटे गोल बना सकते हैं जो चाशनी में डूबने के बाद फूल कर और भी बड़े हो जाएगा। अब हम चाशनी तैयार करेंगे। एक बर्तन में 2-3 गिलास पानी धीमी आंच पे गर्म करेंगे। खौलते पानी में 2 कप चीनी को डालेंगे। अब इसमें कुछ इलायची के टुकड़े डाल देंगे। इसे मिक्स कर देंगे और अच्छे से चलाते रहेंगे जब तक कि चीनी पूरी तरह से ना घुल जाए। इसे तब तक पकाएं जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। अब हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। इसे ठंडे होने के लिए 30-40 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब एक कढ़ाई में मध्यम आंच पर घी या तेल गर्म कर लेंगे। मध्यम गर्म तेल में 6-7 गोले या कढ़ाई की साइज के अनुसार डाल देंगे और धीमी मध्यम आंच पर तलेंगे। आप देख सकते हैं गोले हल्के सुनहरे रंग के होने लगे हैं। 3 से 4 मिनट लगते हैं गोले को हल्के सुनहरे रंग में होने में। अब सुनहरे भूरे रंग के होने तक तलेंगे। नरम जामुन बनाने के लिए इसे एक समान तापमान में तलना जरूरी है और इसके लिए आवश्यकता के अनुसार आंच को कम या तेज कर सकते हैं। अब एक प्लेट में निकाल देंगे और 5 मिनट के लिए ठंडे होने देंगे। आप देख सकते हैं कि तलने के बाद गोले बड़े हो गए हैं। इसे सीधे गर्म चाशनी में नहीं डालना है, नहीं तो ये सिकुड़ के छोटे आकार में हो जाएंगे। परोसने से पहले कम से कम 1-2 घंटे के लिए इसे चाशनी में डुबोकर रख देंगे। आप देख सकते हैं कि जामुन का आकार लगभग दोगुना हो गया है। गुलाब जामुन परोसने के लिए तैयार है। इसे गर्म या ठंडा परोस सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी स्वादिष्ट रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।